हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो जब आप देखने जा रहे हैं अपनी लॉजिकल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाटर इमेज, ये अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलो स्टार्ट कर दिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट कर दिया। वाटर इमेज देखना जो अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। जो अपना सब तो पहला अल्फ़ाबेट आंदा है वो आंदा है ए। तो उसमें अपनी नोटबुक नाल लेके बैठो, ठीक है। तो नाल ड्रॉ करो। देखो आप इतने बनावा गई थी वाटर इमेज। तो देखो ए है, मैं किमें दस सकता तू, जो आ वाली साइड है वो इसी साइड पर रहेगी। बस डिफरेंस की आ जाता है, लैफ्ट साइड तो सेम ही रहती है, लैफ्ट साइड और राइट साइड जो अपनी सेम रहती है, लेकिन आज चीज़ का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना राजे। हम जिम्मे क्लोज पार्ट उपर है, तो क्लोज जो पार्ट है उपर ही आएगा, ठीक है। कहना मतलब है कि अगर आप ए की वाटर इमेज बनाइए तो इस तरह बनेगी, ठीक है। देखो ये ओपन वाला पार्ट सी, ये ओपन वाला ये क्लोज है, और जो क्लोज वाला पार्ट से वो दूर सी, तो ये दूर है, ठीक है राजे। इतने सेगा और ऊपर सेगा, ठीक है। और जो राइट लेफ्ट है वो सेम ही होएगा। तो जो ए है वो वाटर इमेज इस तरह ही बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ए दी जो वाटर इमेज है वो एवें बनेगी। चलो नेक्स्ट देख लेने अपने को के। हाँ जी, तो के दी जी वाटर इमेज है वो किमें बनावेंगे। तो सबसे पहले आप लिखा कि जो राइट वाली साइड पर, राइट वाली साइड पर रहेगा, ठीक है ना जी। हाँ जी, उस तो बाद के दी किमें बनेगी, ए इस तरह और इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो के है ना ऑलमोस्ट सेम ही होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता वो अंदर, ठीक है। तो जो सेम ही बनेगी के दी जो है वाटर इमेज। नेक्स्ट देख लेने अपने को एल है, एल दी वाटर इमेज आप किमें बनावेंगे। देखो हाँ जी, मैं दसिया सीगा जो आवली लाइन है वो इसी साइड आएगी, ठीक है। हुण देखो वाटर दे कोल केड़ी चीज़ है, आवली लाइन है, तो आवली लाइन वाटर दे कोल ही आएगी हमें, ठीक है। ए होएगी अपनी जो एल दी अल्फाबेट, ओ सॉरी वाटर इमेज, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेने हैं, नेक्स्ट इमेज है अपने को एम। एम देख लेने हैं, एम किमें बनेगी। देखो हूँ जिमें एम दी आ वाली साइड है, ये ओपन वाली साइड है, तो ये नूं आपां नीचे ही रखांगे, ठीक है ना। जिमें हूँ एक इत्थे आया, ए लाइन एवें, ठीक है स्टूडेंट्स। आ देखो ओपन वाली साइड इधर नूं आ गई, ये तो ओपन ही सी, ठीक है। आ थोड़ी वड्डी कर लेने हैं, चलो इन्हें लिख लेने हैं इस तरह, ये एवें आ जाएगी, डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है ना। जो एम है वो मिरर इमेज की बना के देगी अपन, सॉरी वाटर इमेज की बना के देगी अपन, डब्ल्यू बना के देगी, ठीक है राजे। चलो नेक्स्ट देखते हैं पी। पी की जी वाटर इमेज है किमें बनेगी। अगेन आप देखो स्ट्रीट लाइन लगावेंगे, ठीक है। उस तो बाद फिर सेकंड चीज़ की देखनी है कि वाटर दे नेड़े वाली केड़ी साइड है, राउंड वाली साइड है, नहीं दूर है, तो राउंड वाली साइड जी इतें आएगी, वो इतने नहीं आएगी, कितने आएगी, इतने आएगी, ठीक है बच्चे। तो ये एवें आ गया। हूँ देखो तुम ये मिसटेक नहीं करनी, तुम इदा नहीं लगा देना, ठीक है, गलत है। मिरर इमेज में जी लैफ्ट एंड राइट साइड होंगी वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है ना जी। तो जो अपनी पीरी मिरर इमेज है, सॉरी बार बार मिरर निकल रहे हैं, वाटर इमेज है, ठीक है, वो बनेगी। अगर इतनी गलती हो जाती है तो कोई नहीं, कई बार हो जाता है फ्लो फ्लो से, ठीक है ना जी। तो जो पी दी जो अपनी वाटर इमेज है वो एवें बनेगी। नेक्स्ट देख लेने वाटर इमेज ऑफ बी। बी बनाने, हाँ जी, बी दी इमेज किमें बनेगी राजे। देखो वो एवें बनेगी मैम, नो इदा नहीं बनेगी। हाँ जी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि मैम देखो ये तो इस साइड तो राउंड वाली साइड, तो तुम क्या सी लेफ्ट हैंड साइड जी राइट साइड वो चेंज ही होनी। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है राजे। तो जो अपनी इमेज है वो एवें ही बनेगी इस तरह, ठीक है। हूँ दसो हम इस दे विच कोई डिफरेंस दिख रहा है, नहीं, तो मतलब कि जो बी दी वाटर इमेज है वो भी की रहेगी एक तरह ना सेम ही रहेगी कि नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी राजे, ठीक है। हाँ जी देखो ऑलमोस्ट रहेगी, ठीक है, क्योंकि आ देखो ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड दोनों की है सेम सेम ही ने, ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देख लेने हैं क्यू। हाँ जी, क्यू दी वाटर इमेज किमें बनेगी। देखो आ वाली साइड बस इधर ध्यान रखना है, आप पहले सिंपल ओ पा देंगे, ठीक है। हूँ ए वाली साइड इधर नू है, ठीक है ना, क्यू दी तो ये इधर नू ही आएगी एवं, ठीक है, ये इस साइड नहीं जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ए इस साइड ही होएगी, ओके। जो एवें अपनी एक यू दी वाटर इमेज होएगी। नेक्स्ट देख लेने अपना एक्स। तो एक्स दी वाटर इमेज जो अपनी होएगी की होएगी वो सेम ही होएगी, ठीक है ना जी। एक्स दी जो वाटर इमेज है वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लिया वाटर इमेज ऑफ वाई। वाई दी वाटर इमेज किमें बनेगी। हाँ जी, पहले तो आप आवली लाइन लगा लेने हैं, लगा ली लाइन, ठीक है। उस तो बाद उपरली चीज़ तो सेम ही है, ठीक है, एवें हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तेरे को वाई एवें आ गया, फिर तुम की करोगे। हूँ इतने तो देखो एकदम स्ट्रेट सेगा, सेंटर चो लाइन निकल रही थी, अगर वाई तेरे को एवें आ गया, ठीक है, फिर की करा आप। देखो आवली साइड तो है, ठीक है ना, ए वाली साइड तो है, लेकिन दोबारा देखते हैं
हूँ जिमें हाँ एवं अपने को वाई आ गया। हूँ देखो एक साइड जी ताकि आ गई थोड़ी वीड्डी है, ये छोटी है ठीक है, और वीड्डी साइड सेम साइड ही रहेगी ठीक है ना, ये इस तरह ठीक है, जी वीड्डी साइड है वो सेम साइड से ही रहेगी ठीक है। ये थोड़ी सही नहीं बनी, एवें करेंगे तो इनू बन जाएगी अपनी इमेज ठीक है। बस जो अपनी राइट एंड लेफ्ट साइड है वो सेम ही रखनी है ठीक है, राइट साइड सेम रखनी है, लेफ्ट साइड भी सेम रखनी है ठीक है। वाटर के नेड़े केड़ा है दूर केड़ा बस वो देखना। हाँ जी ओदी मिरर इमेज की बनेगी ना जी, सेम ही होएगी ठीक है, ओदी जी मिरर इमेज है वो सेम ही होएगी ठीक है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेने अपना, हाँ जी एफ, सो एफ दी वाटर इमेज की में बनेगी। देखो आप इधर स्ट्रेट लाइन लगावेंगे एफ नू ठीक है, उस तो बाद की करेंगे एवें, नहीं मैम एवं नहीं बनेगी। हाँ जी क्यों क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि मैम आ देखो इस जरा आप वाटर के नेड़े चीज़ देखते ना, वाटर के नेड़े वाली चीज़ तो है ही नहीं, ये चीज़ दूर ने दोनों ठीक है ना, तो अपन दूर ही लिखा, आप लिख लें ए फिर इस तरह ठीक है। ये अपनी की होगी वाटर इमेज होगी के दी एफ दी ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही अपने कुछ अल्फाबेट से अगे तो नहीं है कि खत्म हो गया ठीक है, तो इस तरह बस थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवाना चाहती सी ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हें अल्फाबेट्स भी या फिर तुम्हें इमेज भी आ जाएंगे ठीक है। देखो तुम्हें कंसैप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन जिदा का मर्जी आ जाए तो आराम ना कर लोगे, कॉन्सैप्ट सीख लिया की चीज़ सीखी तुम्हें, बस इन्ना चीज़ ध्यान रखना है कि वाटर इमेज के अंदर जी लेफ्ट और राइट साइड है वो सेम ही रहेगी। कहने का मतलब जिम्मे मैं बॉक्स बना देनी है ठीक है, बॉक्स बनाता ठीक है, उत्थे एक दो ए बनाता। हुण तुसी मैनूं राजे दसो इहदी जिहड़ी वाटर इमेज बनेगी किवें बनेगी है ना, हुण दसो। देखो तुसी कहोगे मैम देखो आ जिहड़ी स्माइल जी है ना ये नेड़े है, इहनूं नेड़े ही रखना है ठीक है राजे। हुण तुसी कन्फ्यूज़ होगे कि मैम इहनूं एवें पुट्ठी बनावांगे, इहनूं एवें सीधी बनावांगे। देखो हुण तुसीं आ दसो जिहड़ी आ कर्व बन रही है, स्माइल बन रही है, स्माइल दा जिहड़ा बैंड वाली साइड इस साइड ते है, मतलब इहदे वाटर दे नेड़े है तो बैंड साइड इस साइड ही आएगी ना जे, इन्नी गल समझ आई। बाकी डॉट तां आपां सिंपली लगाई सकदे हां, तो जिहड़ी इमेज बनेगी वो एवें बनेगी ठीक है स्टूडेंट्स ठीक है। तो कोई इन्ना इशू नहीं रहिंदा ठीक है, बच्चे कहिंदे ने कि मैम तुसीं दूसरे वाली इमेज दे क्वेश्चन नहीं करवाए, सेम ही ने, तुसीं कॉन्सैप्ट सीखो सब सेम आ जाएगा। हुण कहिण दा मतलब है जिवें मैं इत्थे दे देनी तुहानूं इक आलो आ ट्रायंगल बना के दे देनी है इहदे अंदर है ना, तुसीं मैनूं ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਵਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਰ ਲਈ ਰਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੰਸੈਪਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ PDF ਜੋ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕੋ ਕੀ ਸਕੈਡਿਊਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੋਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।